सोनोटेप कैसेट्स। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, और जाता को नठाया, प्रतापी राजा हरिश्चंद्र की जय हो। ऋषिवर के श्री चरणों में राजा हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। कहिए ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा भी करोगे राजन, लेकिन हमें आप पहचानते हैं? हाँ हाँ, कुछ पहचानता तो हूँ। कहीं आप और हम मिले थे? कुछ कुछ मेरे याद है कि शायद आप यमुना के तट पर मिले थे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने वहां कुछ संकल्प किया था। मैंने संकल्प किया था, ये भी मेरे याद है, और मैं उसके लिए तैयार हूँ ऋषिवर। दोबारा याद दिला दूं मैं? ये अनाथ वर कन्या की जोड़ी है, आपने शादी कराने का संकल्प लिया था। अच्छा, तो फिर वचन दे दो। वचन की जरूरत ही नहीं है महात्मन, मैं संकल्प पहले ही कर चुका हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ आप और हम ही थे, लेकिन यहाँ राज दरबार में सभी दरबारी बैठे हुए हैं, इनके सामने संकल्प एक बार और हो जाएगा। अगर आपको शंका है तो ले लीजिए। एक, दो, तीन, अब मेरी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। हरिश्चंद्र प्रतापी राजा, है जग में ऊंचा नाम तेरा, ऋषि देव को नमन करूं, स्वीकार करो प्रणाम मेरा, स्वीकार करो प्रणाम मेरा। हरिचंद प्रतापी राजा, जग में ऊंचा नाम तेरा, ऋषि देव को नमन करूं, स्वीकार करो प्रणाम मेरा, स्वीकार करो प्रणाम मेरा। आशा करके आया हूँ, एक सुनियो अर्ज हमारी, जिस लायक हूँ हाजिर हूँ, कह दो जो मर्जी तुम्हारी, कह दो जो मर्जी तुम्हारी। याद करो गंगा के तीर पे मिले थे छतरधारी, हाँ हाँ फरमाओ ऋषिवर मेरे, याद बात है सारी, मेरे याद बात है सारी। तम देखे बचन नाट सेना, देखे बचन नाट सेना, ये चर्चा सुना है आप तेरा, बचन नहीं खाली जावे, चाहे तन से उतरो चाम मेरा, चाहे तन से उतरो चाम मेरा। हरिचंद प्रतापी राजा, जग में ऊंचा नाम तेरा,
ऋषि देव को नमन करूं, स्वीकार करो प्रणाम मेरा, स्वीकार करो प्रणाम मेरा। नदी पे पहुंचे थे आप, नदी पे पहुंचे थे और भूख प्यास से अकुलाए, चंदन लिए तुम ही ब्राह्मण थे, तट पे मुझे नजर आए, तट पे मुझे नजर आए, दान और स्नान किए बिन अनजल नालूनु भरमाए, कर संकल्प स्नान किया था, जल पिया फिर फल खाए, जल पिया और फल खाए। ये जोड़ी है उस वर कन्या की, ये जोड़ी वो वर कन्या की, शादी का इंतजाम मेरा, इनका विवाह संस्कार करा दूं, घबराने का के काम तेरा, घबराने का के काम तेरा। हरिचंद परतापी राजा, जब मैं ऊंचा नाम तेरा, ऋषि देव को नमन करूं, स्वीकार करो प्रणाम मेरा, स्वीकार करो प्रणाम मेरा। दान मांग रही कन्या, कन्या दान मांग रही कन्या, शादी में समझाऊं मैं, जो मांगेगी सो दे दूंगा, ना पीछे कदम हटाऊं मैं, ना पीछे कदम हटाऊं मैं। मांगे राजपाट की चाबी, मांगे राजपाट की चाबी, पहली शर्त बताऊं हंसी करी हो तो बालक बुद्धि, ना तो चाबी पकड़ाऊं मैं, ना तो गद्दी पे बैठाऊं मैं। हंसी मजाक संत नहीं करते, हंसी मजाक संत नहीं करते, राजा दिल थाम तेरा, ऐसा वैसा मत समझ ले, कुंजिल राज तमाम मेरा, ले कुंजी राज तमाम मेरा। हरिचंद परतापी राजा, जग मैं ऊंचा नाम तेरा, ऋषि देव को नमन करूं, स्वीकार करो प्रणाम मेरा, स्वीकार करो प्रणाम मेरा। भार दे दे सोना, सो भार दे दे सोना भी, जो वर का वचन निभाना है, जो चाबी तू खोल खजाना, यो भी कहन पुगाना है, यो भी कहन पुगाना है। अच्छा ये बात है, जो चाबी तुम दे चुके हो महाराज, अब वो तुम्हें मिलने वाली नहीं है, ये तो सारा राजपाट पहले ही इस कन्या ने ले लिया, अब तो तुम्हें 100 भार सोना अलग से ही कहीं से देना होगा। और मेरी बात सुन लो, हार सिंगार तार दो दोनों, जाओ जहां पानी दाना है,
कहाँ जाना और कहाँ रहना, ये सारा जगत वीराना है, सारा जगत वीराना है। करम पाल चल रहा धर्म की, करम पाल चल रहा धर्म की, खुश रखे गरम तेरा। गांव निरोजपुर थाना खेकड़ा, श्री जय सिंह गुरु धाम तेरा, श्री जय सिंह गुरु धाम तेरा। कहो राजन, 100 भार सोने में क्या ये मेरे आभूषण ले सकते हैं? हाँ हाँ दे सकते हो। तो ये लीजिए मेरा मुकुट और मेरे गले के आभूषण और ये मेरी अंगूठी, इनको आप 100 भार सोने में ले लीजिए। लाओ। ये लीजिए ऋषिवर, ये क्या 100 भार सोने में पर्याप्त हैं? राजन ये तो मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है ऋषिवर? ये 8 भार तो आपका ताज है और 5 भार ये आपके गले के जो जेवर हैं। अच्छा। और 2 भार ये आपकी अंगूठी। 15 भार। 15 भार। तो मैं क्या रानी के आभूषण भी दे सकता हूँ 100 भार सोने में? हाँ क्यों नहीं दे सकते हो, 85 भार आप पे बाकी है, दे सकते हो। अच्छा ठीक है, मैं फिर रानी के पास में जाता हूँ। ठीक है। महाराज, महाराज आप? आज कुछ ऐसा हो गया है कि ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ है। महाराज आप दरबार छोड़कर इतनी जल्दी, आप तो संध्या के समय आया करते थे। महारानी दरबार में आज एक संत आए हुए हैं। मैं कहता हूँ मेरे जीवन में क्या किसी के भी जीवन में ऐसी अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए महारानी? महाराज कुछ बात तो बताइए, यदि संत लोग आए हैं तो उनको भोजन कराइए, जलपान कराइए। महारानी कुछ आज ऐसा हो गया है कि मैं बताना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर है कि कभी तुम सुन ना पाओ। महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, यदि कुछ बताएंगे तभी पता चलेगा ना। हाँ तारा रानी वार करना, अब तार ये हार सिंगार दिए, और किस कारण गम दीने आज न्यू बदला तू भर तारे। तारा रानी देर करे ना तार ये हार सिंगार दिए, आए हैं ना? हाँ महाराज। उन्होंने मेरे से वचन भरवा लिए हैं 3। अच्छा? हाँ। कैसे वचन? अब ये ही तो मैं बताना नहीं चाहता तेरे से, लेकिन बताना होगा जरूरी। हाँ बताओ स्वामी। तो सुनो, एक बार कन्या वे लेकर ऋषि जी दरबारा में आए, वचन ले लिए ऋषि ने देके हम पछताए। कौन ऋषि कैसे वर कन्या कैसे वचन भराए, भला कौन ऋषि कैसे वर कन्या कैसे वचन भराए। महारानी मेरे दिल पर बहुत जोर पड़ रहा है बताने में। स्वामी आखिर बात क्या है? बस यही तो बात है कि आज
उस ऋषि ने उस संत ने कमाल ही कर दिए हैं। महाराज कुछ बताएंगे भी तभी तो पता चलेगा किसी बात का। जरा अपने सीने पर पत्थर रख लो तभी बताऊंगा मैं। अच्छा स्वामी। हाँ राजपाट ले लिया दान में, राजपाट ले लिया दान हम, राजपाट से बाहर किए। हमारे राजपाट का साधु लोग क्या करेंगे? पता नहीं महारानी, मैं नहीं कह सकता कि वे क्या करेंगे और क्या नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे से राजपाट की चाबी ले ली है। अच्छा स्वामी। हाँ राजपाट ले लिया दान हम, राज तक ती बाहर किए। कैसा है मेरे हम संत हम को जीत जी मार दिए, कैसा है मेरे हम संत हम को जीत जी मार दिए। तारा रानी वार करे ना तारी हार सिंगार दिए, किस कारण गम दीने आज न्यू बदला तू भर तार दिए, किस कारण गम दीने आज न्यू बदला तू भर तार दिए। महारानी राजपाट को दान में ले ही लिया, लेकिन अब मैं तुझे वो बात बताता हूँ कि जिस कारण से तुझे ये हार सिंगार और जेवरात उतारने पड़ रहे हैं। वर कन्या दोनों साथ में हैं और कन्या ने कन्या दान मांग लिया और वर ने भी थोड़ा दहेज मांग लिया है। स्वामी ये साधु महाराज ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं महारानी ऐसा ना कहो, आखिर हैं तो हमारे अतिथि ही, अतिथि भगवान के बराबर होता है, कोई कटु वचन मत बोल देना। और मैं ये बताना चाहता हूँ। हाँ स्वामी। कि कन्या ने तो कन्या दान में राजपाट मांग लिया और वर ने क्या मांगा ये सुन लीजिए अब तो। हाँ कन्या बोली कन्या दान में राज मुझे चाहिए पूरा, ये तो हेरा फेरी है कोई धोखे बाज लगे गोरा, ये तो हेरा फेरी है कोई ऐसा ना कहो। वर की तरफ से सो भार सोना मांग के मुझको वो घूरा, कहां से लाओगे सोना छाती में भोग दिया है छुरा, कहां से लाओगे सोना छाती में भोग दिया छुरा। हो गहने जेवर तारे के रानी, गहने जेवर तार के रानी, मेरी गाड़ी कर तू पार दिए। वचन लेने से पहले उसने क्यों ना शीश उतार दिए, तारा रानी वार करना तारे हार सिंगार दिए। महारानी अब उनका संतों का मुझे 100 भार सोना उतारना है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2 भार में तो मेरी उसने अंगूठी ले ली है। अच्छा महाराज। और मेरे गले की चैन उसने 5 भार में लगाई है और मेरा ताज मुकुट वो 8 भार में लगाया है। इस तरह से 15 भार सोना तो उतर गया। अब तू देख तूने कितने भार सोने के गहने पहन रखे हैं, ये सारे उतार दो। महाराज हमें ये भार तो उतारना ही पड़ेगा, लेकिन स्वामी मैं सब कुछ अपने गहने उतार सकती हूँ, लेकिन इस कंठी को नहीं उतार सकती क्योंकि ये तो मेरे सुहाग की निशानी है। अच्छा। कुल मिलाकर स्वामी मेरे सारे गहने 25 भार में तो शायद हो ही जाएंगे। तो ठीक है फिर 40 भार सोना यहाँ से दे देते हैं और 60 भार सोना कहीं से बाहर से ला करके देंगे। महारानी सुन लो बात है। हाँ 60 बार सोना देना
मन जाना बाहर पड़े रानी। मैं भी थारे साथ चलू ना पीछे कदम धरे रानी, मैं भी थारे साथ चलू ना पीछे कदम धरे रानी। हाँ तू भी साथ भरे दुख मेरे, मेरे क्यों ना सर्प लड़े रानी। महारानी मेरी एक सलाह है, तू इस बेटे रोहतास को लेकर के और अपने पीहर चली जा, मैं अपने आप इस कर्जे को अपने आप भुगतूंगा, अपने आप उतारूंगा। नहीं स्वामी, स्वामी ये क्या कह रहे हैं आप अलग और हम अलग, हम तीनों साथ ही चलेंगे स्वामी, जैसा भी दुख पड़ेगा सब काट लेंगे। फिर भी मेरी सलाह मान ले जरा। हाँ तू चल जा पीहरने में, तू चल जा पीहरने में, हांडू शीश पे भार लिए संकट में दे साथ छोड़ जे, रे में गेर मनार दिए संकट में दे साथ छोड़ हार सिंगार दिए। किस कारण गमगीन आज नू बदला तुम्हारे तार दिए, किस कारण गमगीन आज नू बदला तुम्हारे तार दिए। महारानी चाहे मुझे अपना शरीर बेचना हो, चाहे कहीं मुझे टुकड़े टुकड़े के लिए नौकरी करनी हो, लेकिन मैं ये 60 बार सोना ऋषि का जरूर उतारूंगा। हाँ धर्म की राह नहीं त्यागू चाहे पड़ो बेचनी काया, मैं भी थारे साथ बिकूंगी तू दरखत में छाया, और मैं भी थारे साथ बिकूंगी तू दरखत में छाया। हाँ धोखा करा संत ने रानी छल का जाल बिछाया, सत के बेड़े गुरु जय सिंह के सत के बेड़े सदा प्रभु ने पार किए।
राजन आपने तो बहुत देर लगा दी। मैं आ ही रहा था ऋषिवर आपके पास में, ये गहने मेरी रानी ने उतार कर दिए हैं, आप इनको ले लीजिए और ये देखिए कि आपका कितना भार सोना चुकता हो गया है। क्या आपका सारा सोना चुकता हो गया? ठीक है, मैं देखता हूँ। ये तो मेरे अंदाज में राजन केवल 25 भार नजर आ रहे हैं। अब कितना बकाया रह गया है ऋषिवर? 60 भार सोना रह गया। 60 भार सोना अब तो मेरे पास में है नहीं ऋषिवर। मैं तो ये कर सकता हूं कि हम तीनों को बेच करके आप ये 60 भार सोना चुकता कर लीजिए। ये नहीं, हमें आज और अभी चाहिए। अभी चाहिए? तो फिर हम बिकने के लिए तैयार हैं। आप कोई ऐसा खरीदार ले आइए। अपने आप बिक सकते हो, हम नहीं बेचेंगे। तो ठीक है, फिर काशी शहर में चलते हैं, वहां कोई ना कोई खरीदार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। संत जी, आप इस बात को तो मान ही चुके हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म मैं मरते दम तक निभाऊंगा। आपके हिसाब को चुकता करने के लिए अपनी पत्नी व बच्चे सहित इस काशी के बाजार में खड़ा हुआ हूं। आप जिस दाम से चाहें हमें बेच सकते हैं और अपने पैसे का उधार चुकता कर सकते हैं। आप तो बहुत विद्वान है राजन, जरा सोचो तो सही कि ऋषि मुनि संत महात्मा क्या ऐसा कार्य करते हैं जैसा तुम करवाना चाहते हो। यदि आपको शर्मिंदगी या दुख हो रहा है, अभी आपके पास मौका है। ये लो, राज की चाबी मिल जाएगी। नहीं नहीं, तीन वचन ही तो भरे हैं राजन। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने जो वचन दिए हैं मरते दम तक उनको पानी देता रहूंगा, निभाता रहूंगा। इस जन्म में नहीं, जन्म जन्म में मैं ऐसा ही करता रहूंगा। आप नहीं बेचना चाहते, मैं खुद अपनी बोली लगाऊंगा और इस काशी के बाजार में मैं अपनी बोली खुद लगा रहा हूं और अपने परिवार की भी। है कोई सरे बाजार में हमारा कोई खरीदार जो हमें खरीदना चाहता है? लेकिन हमें कितना दाम चाहिए, कितना धन चाहिए और हम कौन हैं? और आप हमारे से क्या क्या करवाना चाहते हैं, कैसी कार आप करवाएंगे, ये जरा सारी बातें ध्यान से सुन लीजिए मेरे खरीदारों, मेरे मेहरबानों। प्राणी हम तीन बिकाऊ, कोई आके मोल धरो ना। हम धर्म की खातर बिकते, थोड़ा सा रहम करो ना। हम धर्म की खातर बिकते, थोड़ा सा रहम करो ना। प्राणी हम तीन बिकाऊ, कोई आके मोल धरो ना। हम धर्म की खातर बिकते, थोड़ा सा रहम करो ना। हम धर्म की खातर बिकते, थोड़ा सा रहम करो ना। पास में आज बिछड़ेगा
तीन बिकाऊ कोई लाके मोल धरो ना हम धार्मिक खातर बिक के थोड़ा सा रहम करो ना हम धार्मिक खातर बिक के थोड़ा सा रहम करो काशी शहर एक बड़े धनवानों की बस्ती है और मैं समझता था कि इसमें एक से एक धनवान लोग बसते हैं, लेकिन इतनी देर हो गई मुझे चिल्लाते हुए, क्या कोई भी आदमी तुम्हारे में ऐसा नहीं है जो हमें खरीद ले? हे भाई, हम लोग दे सकते हैं क्या आपकी कीमत? जरा हमें बताइएगा। कीमत पूछोगे? जी हाँ। कीमत आप पहले ये बताओ के हम तीन प्राणियों में से आप किसको खरीदना चाहते हैं? भाई, हमें भी एक नौकर चाहिए था, हम 10 बार दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। 10 बार किसके लिए दे सकते हो हमारे में से? 10 बार हम इस बच्चे और स्त्री के लिए दे सकते हैं, हमें ये दोनों ही चाहिए। नहीं भाई, इनकी इतनी कम कीमत मत लगाओ। इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है, कोई और बोले। इस बच्चे को भी ले लो फिर, ये तुम्हारी पूजा के लिए फूल तोड़ के लिए आया करेगा, और मंदिर में भी तो एक बच्चा चाहिए फूल लाने के लिए, और ये हमारा भोजन बना दिया करेगी। देखो, मुझे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, मुझे तो एक नौकरानी चाहिए। आप दोनों को ही ले चलो, देखना कितना प्यारा बच्चा है।
इसको भी ले लो, ये भी काम करता रहेगा। चल भाई पंडिताइन, जब तू कह रही है तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं दोनों को। तो भाई 20 भार में तो जाएगी इसकी माँ और 10 भार में ये बेटा जाएगा, 30 भार सोना आप मुझे दे दो। बताओ भाई पंडिताइन। कोई बात नहीं स्वामी, इन दोनों को ले चलिए। कोई बात नहीं, हमारे पास धन की कोई कमी थोड़ी है। देखो तो कैसा भूख प्यास से तड़फ रहा है बच्चा। जब पंडिताइन ने कह दी है तो ले भाई, ले जाओ इनको, जाओ जाओ। इस काशी शहर में क्या मेरा भी कोई खरीदार मिल सकता है तुम्हारे में से, या कोई भी इतना धनवान नहीं है यहां? है, आ गया। क्या चाहिए तुम्हें ये बताइए। लेकिन आप पहले अपना परिचय दो। मेरा नाम कालिया है। और तुम्हें कितने चाहिए बोलो। तो मुझे 30 भार सोना चाहिए अपने बदले में। ये लो। लेकिन तुम मेरे से क्या काम करवाओगे कालिया जी? तेरे पे, तू सिर्फ जानवरों को पानी पिलाना और तेरे ते कोई काम नहीं। यानी कि मुझे पानी ढोना पड़ेगा? और कुछ काम नहीं है तुम्हारे लिए? ठीक है, मुझे स्वीकार है। बहुत अच्छा, चलिए मेरे साथ। अच्छा ऋषिवर, लीजिए ये 60 भार सोना, आपका कर चुकता हो गया है मेरी तरफ से। अगर कुछ बकाया हो तो अब भी बताओ। ठीक है राजन, आप वास्तव में सत्यवादी हो, धन्य हो। स्वामी, पिताजी, स्वामी, पिताजी, स्वामी, पिताजी।
महारानी तुम? स्वामी आप? मैं रोजाना ही तो आता हूँ यहाँ, कालिए के यहाँ पानी ले जाया करता हूँ मटके से, और पूरे 30 दिन बाद तुम्हें देख करके आज ऐसा लगा जैसे कोई किसान जिसकी फसल सूख गई हो और बदली को देख करके उसका मन हरा हो जाता है। स्वामी, और आज 1 महीने के बाद स्वामी आपको देखकर, स्वामी ऐसा लग रहा है जैसे भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और किसी तड़फती हुई मीन को जल मिल गया हो, घायल को दवा मिल गई हो और किसी धूप से जलते हुए राहगीर को वृक्ष की छाया मिल गई हो, किसी रोते हुए बच्चे को माँ का आंचल मिल गया हो स्वामी। और लेकिन स्वामी आपने अपनी कैसी हालत बना रखी है? महारानी 30 दिन से मैं अन्न नहीं खाया है। स्वामी ये तो आपकी हालत ही बता रही है, कभी आपके सिर पर मुकुट ऐसे सुशोभित हुआ करता था महाराज, जैसे आकाश के बीच में चंद्रमा चमक रहा हो। महाराज मैं तो यही कहूंगी कि आपने राजपाट को छोड़कर कुछ अच्छा नहीं किया। ऐसा ना कहो महारानी, ऐसा ना कहो बिल्कुल भी, क्योंकि मैं राजपाट को दान करने के बाद में लेस मात्र भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि जो त्याग में आनंद है वो कई जन्मों तक आनंद देता है और प्राप्त करने में तो क्षणिक आनंद होता है। महारानी फिर जबान पर ऐसा मत लाना कि मैंने राजपाट त्याग करके कुछ गलत किया है। महाराज आप भी थके हुए लग रहे हो और देखो मैं भी बहुत थक गई हूँ महाराज। महारानी अब तो एक मेरी विनती है, आज मैं इस मटके को नहीं उठा पा रहा हूँ, मैं इस घड़े को नहीं उठा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही है, इसलिए तुम थोड़ा सा इसको सहारा लगवा दो, मेरे सिर पर रखवा दो इस मटके को। महाराज क्यों? महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज मेरा मटका नहीं उठवाओगी? मैं आपके इस घड़े को हाथ नहीं लगा सकती महाराज। क्या तुमने फेरों पर वचन नहीं भरे थे कि मैं तुम्हारे सांस में सांस और कदम में कदम रखूंगी? महाराज आप मुझे गलत समझ रहे हैं महाराज। अग्नि को साक्षी करके तुमने वचन भरे थे महारानी, उनको याद करो। लिए थे महाराज, लेकिन आपका ये घड़ा अपवित्र है महाराज, और मैं पंडित रामलाल के घर नौकरी करती हूँ महाराज। लेकिन तुम इसको उठवा कर हाथ धो लेना। नहीं महाराज। नहा लेना। इस घड़े को हाथ लगाते ही मेरा भी धर्म नष्ट हो जाएगा महाराज, रामलाल मुझे घर से निकाल देगा, नौकरी से निकाल देगा। तो आज से तू मेरे दिल से निकल जाएगी? नहीं महाराज ऐसा मत कहो महाराज। आज से मेरा और तेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा अगर तू मेरा ये घड़ा नहीं उठवाती है तो। नहीं नहीं, समझ लेना बस। नहीं महाराज ऐसा नहीं कहो, मुझे समझने की कोशिश करो महाराज। एक बैरानी घड़ा उठवा दे, और जाता को न ठाया, क्यों करे घड़ा ठुआ तुम ब्याजी सजना की मेरी काया। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को न ठाया, तुम्हारा
नाटुआ के हाथ धोलिए के घट जागा तेरा बारे में मन पाटा को न फेरा तू भंग गया है पिया मेरा ब्राह्मण के घर डेरा तू भंग गया है पिया मेरा ब्राह्मण के घर डेरा ओ लत्ते कपड़े ना लाए लत्ते कपड़े ना लाए जाता को न खाया सुपर घड़ा टुआ तुम पियाजी घट जागी मेरी काया सुपर घड़ा टुआ तुम पियाजी घट जागी मेरी काया जतन बताया और तड़पिने होके ठाले क्यों इतना दुख पाया एक बैरानी घड़ा ठुआ दे जाता को न खाया लिया दिल में
खेल बावड़ी, समय समय के खेल बावड़ी, ढलती फिरती छाया। मालिक ठीक यू के कर रखा मालिक, मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें, मेरे यहाँ ठोकर लग गई थी। मारी गलती है? और ठोकर लगने के बाद में ये घड़ा टूट गया। अरे कैसे टूटा घड़ा यू? तू चुप रहो। मालिक मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे भूख लगी थी। अच्छा तो भूख लग गई थी तुझे, के महाजन की दुकान पे नहीं गया तू? दुकान का रास्ता तो मैं मारी भूल गया था। भूल गया? हाँ। ठीक, यू घड़ा कुकर फुटा, यू बता। मेरे यहाँ ठोकर लग गई थी, मैं गिर गया था मालिक। मैं दो तीन फेरे लगा चुका हूँ सुबह से दो तीन फेरे लगाए। यू बता दे क्यों फुटा यू? कई दिन हो लिए मुझे खाना खाए भी, मर जाऊंगा बस। और मत मारो, और मत मारो, और मत मारो। अच्छा मेरी एक बात सुन लेना ध्यान लगा के, मेरी विनती सुन लेना। सुना। रे काले मत मेरे रड़का मार, मेरा जी लिकड़न का डर से बकस तेरे पहुँच चुका। तेरे उपा तुझ का रूंगा।
भक्ति में भे रखे तेरे ले रखे मन भार तेरा ते कर मेरे सिर से इसे मर पच के मैं तार लक्ष्मी चंद करम की नौकरी तो रोटी पर की टीट नौकरी तो रोटी पर की अब चाहे मारे पीट पुचकार आगे रखवाला हर से काट लेना नाड़ी उभार मुझे कई दिन हो गए खाना खाए। कई दिन हो गए पक्की बात, यानी कई दिन, यानी तूने मेरा अन्न नहीं खाया। ऐसी बात नहीं है, असल में बात यह है कि मुझे दुकान का रास्ता नहीं मिला, मैं तो भूल गया। किसी आदमी के साथ भी जा सकते थे आप। बस मैं सोचा कि बाद में बताऊंगा आप कैसे कहूं जाते। राम राम। ओहो राम 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 सेठ जी। राम राम भैया राम राम। कालिया ये क्या हो रहा है? इसे घड़ा फूट गया। घड़ा? फिर क्या बातचीत चल रही है आपकी? फूटा पता सता ही नहीं चला इसका। मेरे ठोकर लग गई थी सेठ जी, मैं घड़े को नहीं संभाल पाया, मेरा शरीर कमजोर हो रहा है कई दिन से। कई दिन तक कमजोर हो रहा कहिए? तो फिर आपका नौकर है, इसका ध्यान करो। क्या बात है? एक दिन गए थे इसके साथ तुम्हारी दुकान पे, क्या बात हो गई? ओहो आ गई मेरे ध्यान में, ये आपका नौकर है? हाँ जी। हरिया हाँ कहा था आपने? हाँ हाँ। ओहो ठीक है, ये तो उसी दिन आपके साथ गया था मेरी दुकान पे। क्या उसी दिन गया था? उसके बाद नहीं। क्यों रे हरिया, आपने क्या किया ये? यानी उस दिन गए और आज तक नहीं गए? मैं दुकान का रास्ता भूल गया था मालिक, मेरी और कोई गलती, गलती नहीं। आज से आपका ये काम बंद, और जाओ शमशान घाट का पहरा दो, जाओ 125 रुपया और कफन लिए बगैर
तू किसी को दाग नहीं लगान देगा। कल को चाहे मैं और तेरिया मालकिन भी क्यों ना आ जावे। तो वो मैं कर आपका किससे लूंगा? जो मुझे कांधे रख के लाएंगे वो देंगे मेरा कर। तो जाओ।